ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या किसी शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो उस व्यक्ति को उस ग्रह से संबंधित तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। आइए जानते हैं कि किस ग्रह की अशुभता से कौन सी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का मुखिया है। सूर्य ग्रह की अशुभता को दूर करने के लिए सूर्य देव की आराधना करें। इसके लिए हरिवंश पुराण का पठन, विष्णु जी की उपासना करें। चंद्रमा की अशुभता से मानसिक तनाव, चिंता, मानसिक दुर्बलता, आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। चंद्रमा दोष के निवारण के लिए जातकों को अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मंगल ग्रह के अशुभ परिणाम से जातकों को जिगर से संबंधित रोग और होंठ फटने लगते हैं। मंगल के बुरे प्रभाव से बचने के लिए जातकों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। बुध की अशुभता से स्नायु रोग एवं दंत विकार होते हैं। बुध दोष के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, मां दुर्गा की उपासना करें। गुरु की अशुभता से पुत्र की हानि, गले के रोग एवं मोटापे जैसी शारीरिक समस्याएं होती है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु दोष निवारण के लिए हरि पूजन करें। शुक्र की अशुभता से भौतिक जीवन में आर्थिक परेशानियां और जननांग से जुड़ी समस्याएं आती है। शुक्र दोष के निवारण के लिए धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा करें। शनि की अशुभता से अग्निकांड, दुर्घटना, अयोग्य संतान, आंखों के रोग होते हैं। शनि देव निवारण के लिए शनि देव की आराधना करनी चाहिए, भैरव देव की उपासना करनी चाहिए। राहु की अशुभता के कारण सिर में चोट, राजकोप का शिकार, मानसिक तथा क्षय रोग होते हैं। राहु दोष निवारण के लिए सरस्वती की पूजा करें। केतु की अशुभता से व्यक्ति विश्वासघात का शिकार होता है। केशु दोष के निवारण के लिए गणेश जी की पूजा करें एवं कपिला गाय एवं तिल का दान भी करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से पुष्पा की रिपोर्ट।